हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासमीन। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अपने ट्वीट को लेकर अनुराग कश्यप खूब सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। वो लगातार ट्विटर के जरिए सीए पर अपनी प्रतिक्रिया दिए जा रहे हैं। साथ ही वो बार बार पीएम मोदी के खिलाफ बोलने से भी बाज नहीं आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी के खिलाफ बोलकर वो बुरी तरह ट्रोल हुए थे। वैसे तो वो कई बार अपनी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मोदी पर भड़ास निकालने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। यूं कहें कि इसके बाद भी अनुराग कश्यप अपने विचार पेश करने से पीछे नहीं हटते। हाल ही में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट का जवाब दिया है, जिस पर लोग खूब अपने रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, अटल जी कहते थे कि जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, उसको समग्रता में देखना होगा। यही बात सरकार के लिए भी सत्य है, सुशासन के लिए भी सत्य है। सुशासन भी तब तक संभव नहीं है जब तक हम समस्याओं को संपूर्णता में समग्रता में नहीं सोचेंगे। वहीं अब पीएम मोदी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अनुराग कश्यप ने लिखा, समस्याओं को संपूर्णता और समग्रता से सोचना होगा, प्रधान सेवक का प्रधानमंत्री के नाम संदेश। बता दें कि बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इसी साल अगस्त में ट्रोलिंग और परिवार के सदस्यों को मिल रही धमकियों की वजह से ट्विटर को अलविदा कह दिया था, लेकिन देश का माहौल देखते हुए उन्होंने ट्विटर पर वापसी की है। देश में बने हालात को देखते हुए ट्विटर पर लौटने का ऐलान किया और कहा कि अब मैं और चुप नहीं रह सकता। उन्होंने लिखा था, बात बहुत आगे तक निकल चुकी है, अब और चुप नहीं रह सकता। ये सरकार स्पष्ट रूप से फांसीवादी है, लेकिन ये बात मुझ में और गुस्सा भर देती है कि जो लोग कुछ बदलाव ला सकते हैं वो पूरी तरह से खामोश। बता दें कि अनुराग कश्यप बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने स्क्रीन राइटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत 1998 में आई फिल्म सत्य से की थी। वहीं बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म 2003 में आई पांच थी, जो कि आज तक रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने देवदास, गैंग ऑफ वासेपुर और मनवर्जिया जैसी हिट फिल्में भी बनाई हैं। इसके अलावा साल 2014 में आई फिल्म क्वीन को उन्होंने प्रोड्यूस किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। और जल्द ही वो नेटफ्लिक्स पर घोस्ट स्टोरीज नाम की वेब सीरीज लेकर आने वाले हैं। वैसे अनुराग कश्यप के ट्वीट पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। I think like everybody else, I've also just been watching the news, watching the state of our country, and it's very, very, it really disheartens me and it makes me feel really sad with everything that is happening around. I think it's a bahut sensitive time hai, and I feel like violence is something that I am completely against, and I feel like that's no solution for anything at all. Peaceful protest is our right as citizens, and I feel it is our right of freedom of expression, but everything should be happening in a non-violent way, and I feel right now is a time where we need to sort of tackle it in with maturity, you know, and sort of have a verbal conversation about this whole topic and sort things out like that. Yaar, for me mainly I think everybody knows ki kya ho raha hai, and jinko jo aata hai wo kar rahe hain. Currently I feel the situation hai, I think it's very unfortunate, and I really feel that there's a right way of doing it. Ek sahi tarike se sab ho sakta hai, hona chahiye, peacefully hona chahiye. Violence I don't think is something anybody should ever resort to. So it's really unfortunate, and I really hope that things get better. That's my honest, heartfelt stand on it. Yeah. मैंने सी ए और सी ए बी पे थॉट्स नहीं रखे थे, क्योंकि मैंने पूरी अच्छे से उसको स्टडी नहीं कर पाई हूँ अभी तक। मैंने इस बात पे थॉट्स रखे थे कि जो मैंने विजुअल्स देखे जामिया में होते हुए वो मुझे अच्छे नहीं लगे। जो मैंने स्टूडेंट्स जो कह रहे थे उनकी बातें सुनी और जो वीडियोज़ देखी वो बहुत बुरा लगा देख के। कुछ तो बहुत बड़ा हो चुका है या होने वाला है फॉर श्योर, उसको देख के ऐसी। पर मुझे एक और चीज़ लगती है, आई थिंक हर प्लेटफॉर्म वो बात करने के लिए नहीं है, आई फील, बिकॉज हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं। आई थिंक इस टाइम बात करने से ज़्यादा हम सबको बैठ के पहले सोचना चाहिए, उसके बाद कुछ बोलें, बिकॉज बात करने को तो बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात कि वायलेंस किसी भी प्रकार का हो वो नॉन एक्सेप्टेबल है, किसी की भी तरफ से हो नॉन एक्सेप्टेबल है। पर आई थिंक ऑल्सो ज़रूरी ये है कि जिनकी भी ओपिनियन हो वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ एवरी डे टू कीप रीडिंग,
मैं जितनी इन्फॉर्मेशन और पा सकूँ उसकी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ ओपिनियन व्यक्त करूँ वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो और ना कि इमोशन में बह के कुछ बोला जाए, क्योंकि कभी कभी साइलेंस इज़ बेटर देन अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन. तो आई थिंक इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर एवरी वन टू बी एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल, बट वायलेंस इन एनी फॉर्म्ड एंड बाई एनी बडी आई थिंक इन अ डेमोक्रेसी इज नॉट एक्सेप्टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक पीस इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट विच इज़ नीडेड एट ऑल एंड्स. वी नीड टू स्टॉप वायलेंस, चाहे वो किसी भी पक्ष को लेकर हो. आई थिंक बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर एवरीबॉडी, बी इट द स्टूडेंट्स, बी इट पुलिस, बी इट एनीबॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड से पीस एंड हार्मनी इज द नीड ऑफ द आवर. आई एम वेरी मच फॉर कैब, बिकॉज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग फ्ली हुए, जिनको रिलीजियस ग्राउंड्स पे प्रोसिक्यूट किया है, उनके लिए भारत के दरवाजे खुले हैं. तो दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच उन्होंने ये डिसीजन लिया. CAA बिल पास हो चुकी है, तो अभी वो ना, हाँ मैं काफ़ी इस पर स्टडी कर रहा हूँ, इस पर काफ़ी मतलब जो भी गूगल पर रिसर्च या फिर लोगों से बात करके रिसर्च हो रहा है. तो ये सब चीज़ें देखिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसमें एक ज़रूरत भी है ये करना, लेकिन किस तरह से करें वो भी बहुत ही एक ट्रिकी ये मुद्दा है. तो इसे बहुत सेंसिटिवली इसका सामना करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है. अभी सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन लेगी करेगी या जो भी हो, अभी तो अमल हो चुका है. लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जो सिटीजंस हैं, हम प्रोटेस्ट करें या जो कुछ भी करें उसमें हम डैमेज ना करें, हम कोई उस तरह की वायलेंस ना करें, क्योंकि अगर हम अपने देश के हित में एक डिसीजन चाहते हैं तो हमें भी अपने देश के हित में ही काम करना चाहिए, सोचना चाहिए. जो लोग अपने देश के ही प्रॉपर्टी को बिगाड़ रहे हैं वो खुद ही देश के हित में नहीं है, तो उनकी बात या उनकी प्रोटेस्ट कौन सुनना चाहेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो फियर साइकोसिस है, इससे हमें दूर रहना है. ये जो बेकार की मैसेजेस और ये व्हाट्सएप और ये सब चलते रहता है, लोग बोलते हैं अब ये हो जाएगा, नेक्स्ट चीज़ तो ये हो जाएगी, अब तो तुम्हारे घर आके तुम्हें मारेंगे, ये सब जो लोग कर रहे हैं ये बंद करना चाहिए. वी शुड एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट गिव इन टू सच फियर साइकोसिस. आई थिंक एनी लॉ मेड विद रिलीजन इन माइंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इज़ नॉट मेकिंग मच सेंस. इट हैज़ टू ऑब्वियसली बी मेड केस बाई केस. मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक नॉन मुस्लिम जो इस्लामिक स्टेट से यहाँ आए हैं उन्हें वहाँ से भगा दिया गया हो. कहीं ऐसे भी आए होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी यहाँ ज़्यादा दिखी होगी, उस हिसाब से आए हैं. तो केस बाई केस यू हैव टू सी योर सी द पीपल, नॉट स्पेसिफिक अरे मुस्लिम है इसको भगाओ, हिंदू है इसको रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए. सीख है तो रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सिटीजनशिप एक्ट को लेके कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है. अफवाहें में विश्वास नहीं कीजिए. भारत के हर एक मुस्लिम नागरिक सुरक्षित हैं. भारत के हर एक नागरिक जो लेजिटिमेटली यहाँ रेफ्यूजी के तौर पे एक माइनॉरिटी में आना चाहते हैं वो भी सुरक्षित हैं. जो लोग एक जॉन्डिस आई से सिर्फ एक अपनी परिभाषा आगे करना चाहते हैं वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल वेंडेटा का साजिश है, और इसमें न विश्वास करते हुए अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर विश्वास कीजिए. देखिए, एक प्रजातंत्र लोकतंत्र में आप कोई भी प्रोटेस्ट कीजिए आपका स्वागत है, एजिटेशन आपका स्वागत है, लेकिन जो ये एक कैंपेन है, एक स्पिरिटेड कैंपेन जो भारत की जनता चाहती है, एक तरफ CAB और दूसरे तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति को आप देखते हुए आप देश को अस्थिर करना चाहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि कानूनी तौर पर मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए. आई थिंक लाइक एवरीबडी एल्स आई हैव ऑल्सो जस्ट बिन वॉचिंग द न्यूज़, वॉचिंग द स्टेट ऑफ आर कंट्री, एंड इट्स वेरी वेरी इट रियली डिसहार्टन्स मी एंड इट मेक्स मी फील रियली सैड विद एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड. आई थिंक ये बहुत सेंसिटिव टाइम है एंड आई फील लाइक violence is something that I am completely against, and I feel like that's no solution for anything at all. Peaceful protest is our right as citizens, and I feel it is
our right of freedom of expression, but everything should be happening in a non-violent way. And I feel right now is a time where we need to sort of tackle it in with maturity, you know, and sort of have a verbal conversation about this whole topic.